हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यू टॉज माय हार्ट। चैनल 3 के साथ डीजे बोस फिर से कमबैक करने वाले हैं। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो गई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। उसका कैरेक्टर नेम इस ड्रामे में खून है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के किसी और से शादी कर लेती है, तो ऑब्वियसली वो इंसान उससे ज़्यादा वेल सेटल और अच्छा इनकम करने वाला होगा, वरना ऐसे लड़के को क्यों छोड़ती। तो उसके बाद बेचारे के हार्ट ब्रेक तो हो जानी थी, बहुत ख़राब सिचुएशन में पहुंच गया था। उस टाइम पे उसकी लाइफ में एंजल बन के आती है डॉक्टर एनी। देखो जितनी प्रिटी और क्यूट है ना, इसी तरह से उसके दिल भी बहुत ज़्यादा साफ था। तो अब एक दिल टूटे आशिक के दिल को फिर से जोड़ना इज नॉट अ जोक। तो उसका धीरे धीरे से उसका ख्याल रखना और उसके बाद इन दोनों में धीरे धीरे करके दोस्ती हो जाना, दोस्ती के बाद प्यार, ये सारी चीज़ें तो ड्रामे में प्रेडिक्टेबल है और हम लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इतना तो हमें टीजर में दिखाया गया है। और उसके बाद उन्हें प्यार हो गया या ये लोग कुछ टाइम तक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन चाहे वो मैथ का एक्स हो या फिर आपके लाइफ का एक्स वापस आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही है। तो उसके बाद फिर से वापस आ गई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। अब ये क्लियरली नहीं है कि वो डिवोर्स के बाद वापस आई थी या फिर अपने हस्बैंड होने के बावजूद भी वापस आई थी। तो इस सिचुएशन में होता क्या है ना, इन दोनों को कभी कभी साथ बातें करती हुई देखकर उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था। ऑब्वियसली गुस्सा तो आनी थी। एंड देन यहाँ पर जो एनी थी उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और वो श्योर नहीं थी कि ये मुझे चीट करेगा या फिर मेरे साथ लॉयल रहेगा। और इसी दौरान ना उसके बहुत ज़्यादा झगड़े भी होते थे और बहुत ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में भी इन दोनों को देखा गया था। मतलब जो यहाँ पर एनी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जो अनप्रेडिक्टेबल था। यहाँ पर लड़के की मौत हो जाती है इसके हस्बैंड का। तो वो क्या था ना, उसका हस्बैंड कोई और नहीं डॉक्टर एनी का भाई था। और डॉक्टर एनी को ये पता था कि ये उसका उसकी भाभी का एक्स है खून। तो सबसे बड़ा सस्पेक्ट ना खून ही था। तो क्या खून ने मारा था उसके भाई को या फिर किसी और ने, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें ड्रामा को वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट करेंगे तब तक ये ड्रामा अनियर नहीं होता। सो इतना ही था, थैंक यू सो मच।